फाइलोजेनेटिक ट्रीज एंड दिस टॉपिक कम्स अंडर दस सी कोर्स एंड बी एस सी कोर्सिस बेसिकली दिस टॉपिक कम्स अंडर दैप्टर इवोल्यूशन सो या विदाउटर आई डू लेट्स गेट इन टू दीडियो नफ ऑल सबसे पहले ये टॉपिक अगर आपको समझना है तो यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज होती है दैट इज फाइलोजेनी सबसे पहली टर्म होती है फाइलोजेनी और दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ये दो टर्मिनोलॉजीज होती है जिसको बेसिकली आपको पहले समझना होगा तब जाके कहीं ना कहीं हम इसके कंसेप्ट यहाँ पर पा ले पाएंगे एंड वन मोर थिंग ये वाला जो वीडियो सेगमेंट रहेगा इसमें हम सारे थियोरिटिकल जो कंसेप्ट हो सकते हैं फाइलोजेनेटिक ट्रीज के लिए क्योंकि कभी कभी थियोरिटिकल क्वेश्चन भी आते हैं तो हम इस वाले वीडियो सेगमेंट में थ्योरी समझ लेंगे इस टॉपिक के लिए एंड जो नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट रहेगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ सकते हैं इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और इन एनी वे अगर आपके स्कूल कॉलेजेस में भी आ सकते हैं तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में सॉल्व कर लेंगे तो इसमें तो हमारे कंसेप्ट रहेंगे नाउ स्टार्ट करते हैं फाइलोजेनी से फाइलोजेनी वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अगर आप स्टडी कर रहे हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अगर आप इसकी स्टडी कर रहे हैं तो इसको फाइलोजेनी कहा जाता है यानी कि आप दो ऑर्गेनिज्म आपके सामने मान लीजिए उन दो ऑर्गेनिज्म के कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ होगा उनके एंसेस्टर्स कौ, कौन से होंगे फिर वो अगर देखा जाए तो डिस्टेंटली रिलेटेड है या क्लोजली रिलेटेड है ये सारी चीजें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स में जब आप स्टडी करते हैं तो इसी चीज को फाइलोजेनी कहा जाता है और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का मतलब होता है मीन्स ऑफ इन्फेरिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सो पहले हम इसको पॉइंट लिखेंगे यहां पर मीन्स ऑफ इनफरिंग सो मैं रिलेशनशिप्स को सिर्फ से रिप्रेजेंट कर रही हूं आप समझिए एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है उसको आप पता कर ले उसको कहा जाता है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस तो एक ऐसा तरीका जिससे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का पता लगा लिया जाए इस चीज के एनालिसिस को फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कहते हैं सो देर आर टू टर्मिनोलॉजीज विच नीड टू बी नोन फॉर यू आपको पता होना चाहिए थे दो टर्मिनोलॉजीज वो हमने देखे सो so, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक से जो की है फाइलोजेनेटिक ट्रीज सो फाइलोजेनेटिक

पूर्वज कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल कि आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ग्रैंडफादर अगर आप अपने ग्रैंडफादर को देखेंगे तो वो भी आपके एनसेस्टर्स में काउंट किए जाएंगे और ग्रैंडफादर के भी अगर कोई ग्रैंडफादर रहे होंगे तो वो आपके एनसेस्टर रहे होंगे उसी तरह से हर ऑर्गेनिज्म को देखें या हर स्पीशीज को हम देखें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम देखें तो कहीं ना कहीं पीछे जाकर उनके भी एनसेस्टर हमें देखने को मिलते हैं अब इस डायग्राम में देखिए ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री आपके सामने शो ने जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इसमें देखिए सबसे टॉप पर अभी यहां पर हम मैमल्स की अगर बात करें जो कि ह्यूमन्स हैं यहां पर ह्यूमन्स ह्यूमंस तो का ओरिजिन कहीं ना कहीं कहां से हुआ है इन फर्स्ट ट्रू सेल से हुआ है सो so हम कह सकते हैं मेमल्स के एनसिस्टर्स फर्स्ट ट्रू सेल्स हैं उसी तरीके से हम बात करें तो यहां पर आगे जाकर मोलस्का बन रहे हैं लेकिन मोलस्का को अगर हम देखते हैं तो वो यहां पर आ रहा है इस साइड पर आ रहा है ठीक है यानी ये इसकी ब्रांच है यहां पर मोलस्का की ब्रांच और वहीं अगर हम बात करते हैं मेमल्स की तो मेमल्स कौन सी ब्रांच में आ रहा है इस ब्रांच में आ रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो ब्रांचिंग यहीं से डिफर हो गई थी इस पोजिशन से अब यहाँ पर ये चीज को कहा जाता है कि वो जो मैमल्स हैं और वो जो मॉल्स हैं वो आपस में डिस्टेंटली रिलेटेड है यानी कि वो रिलेटेड तो हैं और रिलेटेड इतने पीछे जाकर हैं यहाँ पर फर्स्ट टू सेल्स के वहां लेकिन आगे जाकर उनमें इतने ज्यादा डाइवर्जेंस आ गया वो दोनों बहुत दूर दूर चले गए इसी वजह से इनमें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप रही होगी लेकिन डिस्टेंट रिलेशनशिप रही होगी वही अगर हम बात करते हैं मैमल्स वाले ही चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पर रेप्टाइल्स वाला चार्ट और बर्ड्स वाला चार्ट तो देखिए रेप्टाइल्स की ब्रांच और बर्ड्स की ब्रांच बहुत करीब करीब नजर आ रही है पास पास नजर आ रही है इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को आप क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं तो इस तरह की चीजें आगे मैं और डिटेल्स में बताऊंगी लेकिन यहाँ पर एक चार्ट आपके सामने आ गया जिससे आपको आइडिया लग जाए कि फाइलोजेनेटिक ट्रीज क्या होता है तो जनरल वे में कोई आपसे पूछता है तो आप कहेंगे दे आर द मीन्स ऑफ शोइंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ये एक ऐसा मीन्स है एक ऐसा तरीका है जिस की मदद से हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक रिलेटेडनेस ट्री तो ये तो बुकिश लैंग्वेज की डेफिनेशन मैंने यहां नोट की है। अगर आपसे नॉर्मली डेफिनेशन पूछी जाए तो आप यहाँ पर ये नोट कर सकते कर सकते हैं दे आर मीन ऑफ showing evolutionary relationships और among organisms भी लिख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा point बनेगा among organisms क्योंकि organisms की ही हम evolutionary relationships को देखेंगे so among organisms या फिर आप यहाँ पर इसी जगह पर यानी evolutionary relationship की जगह genetic relatedness भी use कर सकते हैं <coughs> sorry ठीक है तो ये तो एक नॉर्मल सा पॉइंट हो गया अब इसकी बुकिश लैंग्वेज देखिए सो इट इज डिफाइंड एज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को शो करते हैं अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है रिप्रेजेंट हाउ डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम अ सीरीज ऑफ कॉमन एंड सिस्टर इस डायग्राम की मदद से आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से कोई जो ऑर्गेनिज्म रहा होगा या फिर कोई कोई भी स्पीशीज रही होगी उनके कॉमन एंसिस्टर कैसे होंगे या वो कहां जाके उनमें कहीं कॉमन पॉइंट आ रहा होगा उनका इमरजेंस कहां से हुआ होगा सो बेसिकली इमरजेंस की बात हम यहां पर करते हैं इमरजेंस की उसी को हम एंसेस्टर को यहाँ पर नाम दे रहे हैं तो इमरजेंस कैसे हुआ होगा स्पीशीज का उसी को आप फाइलोजेनेटिक ट्रीज में पढ़ते हैं वहीं जो फाइलोजेनेटिक ट्री होता है उसको डिफाइन करने के लिए यह भी कहा जा सकता है कि एक तरह का टू -डी ग्राफ होता है टू डायमेंशनल ग्राफ होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वेरियस अदर ऑर्गेनिज्म अगर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो कहीं ना कहीं इस अगर ऑर्गेनिज्म को आप मेन ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं तो इसकी रिलेशन इन सबके साथ कैसी है वो भी इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसी चीज को आप फाइलोजेनेटिक ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं अब जो फाइलोजेनेटिक ट्री होता है इसको ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द ट्री ऑफ लाइफ कॉल्ड सो आपको पता होना चाहिए वो फाइलोजेनेटिक ट्री होता है इसको कभी कभी डेंड्रोग्राम भी कहा जाता है ऐसे नाम सुने हो आपने क्लेडोग्राम डेंड्रोग्राम बहुत सारे नाम होते हैं उसका मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हो जाता है सो फाइलोजेनेटिक ट्री में आप बस इतना याद रखें वो आपके लिए सफिशियंट होगा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं

ओरिजिन या फिर लीनिएज तो ये दो पॉइंट्स तीन पॉंट्स आपको यहां पर याद रखने थे एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज होते हैं वह हाइपोथेटिकल होते हैं हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है ऐसी चीज जिसको आप मन मर्जी से अपने मन से बना रहे हैं उसको हाइपोथेटिकल कहा जाता है और उसमें कोई सच्चाई नहीं होती इट्स इट इज नॉट अ फैक्ट इट इज नॉट अ फैक्ट ये सच्चाई नहीं है फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में इतना बड़ा पॉइंट हमने यहाँ कहा कि यह हाइपोथेटिकल है मन से बनाया जाता है सोच कर बनाया जाता है इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं रहती अगर होगी भी तो उसका कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं होता कि ऐसा सच में हुआ होगा ये सिर्फ हमारे अजम्पन्स होते हैं जिनको लेकर हम फाइलोजेनेटिक ट्री को बना लेते हैं तो ये वाली बात है आपको समझ में आना चाहिए कि ये फैक्ट्स नहीं है डेफिनेट फैक्ट्स नहीं है बट दे आर हाइपोथेसिस दूसरी बात यहाँ समझिए कि जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज होते हैं इनको अलग अलग इक्विवेलेंट स्टाइल्स में ड्रॉ किया जा सकता है सो so, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैन बी ड्रॉन इन ड्रॉन इन इक्विवेलेंट स्टाइल्स इक्विवेलेंट स्टाइल्स में इसको ड्रॉ किया जा सकता है एक पॉइंट आपको ये बताना चाहिए और अगर आप किसी ट्री को रोटेट करते हैं रोटेट एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज जिस भी डायरेक्शन में सो so, अगर आप किसी ट्री को रोटेट करते हैं उसके ब्रांचिंग पॉइंट्स भी रोटेट होंगे लेकिन उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो वहां चेंज नहीं होगी सो so, रोटेशन से जो इंफॉर्मेशन uh, है इन्फो जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो किसी ट्री का अगर मान लीजिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है यहाँ पर ए है और उसमें से यहाँ पर बी निकल रहा है और सी निकल रहा है ये एंसेस्टर है यहाँ पर ए अगर आपने इसको रोटेट कर दिया फॉर एग्जाम्पल यूर रोटेटिंग इट इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन उल्टी घड़ी की डायरेक्शन में आप रोटेट करते हैं तो होगा क्या जो सी है वो यहाँ बी की जगह पर आ जाएगा तो मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ तो सी यहाँ पर आएगा बी नीचे आ जाएगा और ए यहां आ जाएगा अभी भी डायग्राम कुछ इसी तरह रहेगा इस टाइप से अब देखिए फिर भी कोई फर्क पड़ा क्या यहाँ से अलग ही आप डिपेंड कर सकते हैं कि ए पीछे एनसिस्टर रहा होगा और दो वहां से उसके जो भी मतलब यहाँ ची ब्रांचेस है वो निकली होंगी तो ये सारी चीजें जनरली आप इन सब चीजों में देखते हैं कि ये सारी चीजें फाइलोजेनेटिक ट्रीज के इंट्रोडक्शन में आ जाती है अब बात करते हैं आगे तो फाइलोजेनेटिक ट्रीज जो होते हैं इनको ड्रॉ करना कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी अब क्या होता है जनरली दो या तीन स्पीशीज का आपको कोई ट्री बनाने का कहेगा आप नॉर्मली उसको बना लेंगे लेकिन मान लीजिए आपको दस बारह स्पीशीज दे दी गई और कहा अब इसका फाइलोजेनेटिक ट्री बनाइए तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट हो जाती है और वो बहुत ज्यादा डिटेल भी मांगती है तो ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज करके हम लोग हमारे फाइलोजेनेटिक ट्रीज को बनाते हैं और वो सारे सॉफ्टवेयर्स हम बायो इंफॉर्मेटिक्स में पढ़ते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जनरली हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं अब दो डिफरेंट मेथड्स हो सकती हैं अगर आप फाइलोजेनेटिक ट्री की स्टडी कर रहे हैं तो जनरली उसमें दो डिफरेंट मेथड्स होती है और उसके अंदर भी फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है पहली होती है कैरेक्टर बेस्ड मैथड और दूसरी होती है डिस्टेंस बेस्ड मैथड पहली मैथड जो होती है बेस्ड रहती है डायरेक्टली ऑन दी सीक्वेंस कैरेक्टर्स जो सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं डायरेक्टली उस पर बेस्ड होगी देरफोर उसको हम डिस्क्रीट मैथड भी कहते हैं और इसमें अलाइंड कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग दी फाइलोजेनेटिक ट्री इसमें जो अलाइन्ड कैरेक्टर्स रहते हैं उनके अंदर या तो डीएनए और प्रोटीन सिक्वेंसेज आते हैं जिससे कि ट्री का इंफुरेंस हो जाए और दो मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर बेस्ड मेथड्स भी इसी के अंदर आती है जिसमें पहली होती है मैक्सिमम पार्सी और दूसरी होती है मैक्सिमम लाइकलीहुड अभी मुझे पता है यहां पर कुछ भी बातें आपको समझ में शायद ना आ रही हो क्योंकि ये जो चीजें हैं जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि पारसी क्या होती है और ये सब क्या होती है तो जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी यू हैव टू जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस हम लोग जब वहां पढ़ेंगे आपको सब चीजें वहां क्लियर हो जाएंगी ठीक है तो टेंशन लेने की जरूरत है सिर्फ अगर आपको क्योंकि थ्योरीज भी होती है कोर्स में तो चाहे तो आप यहाँ से

मैट्रिक्स इज़ फॉर है आई नो लेकिन फिर भी हमारे लिए थोरिटिकल पोर्शन भी जरूरी है तो हम इसकी थ्योरी देखते हुए आगे जा रहे हैं एंड जब हम इसका ओरिजिनली एप्लीकेशन लगाएंगे किसी न्यूमेरिकल में तो आपको सब चीजें क्लियरली आएंगी सो अभी हम आगे देखते हैं नाउ स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग फाइलोजेनेटिक ट्री क्या स्टेप्स हो सकती है फाइलोजेनेटिक ट्री को प्रिपेयर करने की पहली होती है सिलेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और जीन फैमिली सबसे पहले किसी ऑर्गेनिज्म को चूज करिए या जीन फैमिली को चूज करिए फिर सिलेक्शन करना है अप्रोप्रिएट मॉलिक्यूलर मार्कर्स का फिर उसके बाद एम्प्लीफिकेशन, सीक्वेंसिंग असेंबली अलाइनमेंट इवोल्यूशनरी मॉडल फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, फिर होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्री फिर होता है इवोल्यूशन ऑफ अ फाइलोजेनेटिक ट्री तो ये स्टेप्स आप लिख सकते हैं और आप अगर देखेंगे तो अगर हम सबकी शुरुआत के लेटर्स लिख लें सो एस एस ए एस ए ए पी सी और तो नॉर्मली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन टेन आपके पास सीक्वेंस होती है तो आप इसको नॉर्मली एक साउंड की तरह याद कर सकते हैं सा सा, सा करके कुछ और ई पी सी ई तो बहुत नॉर्मल सा है एक बार वो उसकी टर्मिनोलॉजी से याद हो जाएगी तो आप ये ट्री भी मतलब कहना चाहिए स्टेप्स भी लिख सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर तो ये भी अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन फिर भी थ्योरी बेस्ड है तो देखना तो जरूरी है नेक्स्ट देखते हैं नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज कितने तरह के फाइलोजेनेटिक ट्रीज होते हैं फर्स्ट वन इज रूटेड ट्री एंड सेकेंड वन इज अनरूटेड ट्री मैं नॉर्मल शब्दों में पहले इसको कहूंगी अभी आप इसकी डेफिनेशन को मत देखिए बुकिश लैंग्वेज वाली तो सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में यहाँ पर बता देती हूँ रूटेड ट्री का मतलब होता है जिसमें एनसिस्टर्स नोन हो सो एनसिस्टर्स आर नोन जहां आपको एनसिस्टर्स पता हो ऐसी ट्री को रूटी ट्री कहते हैं और जहां पर एनसेस्टर्स अनोन हो अननोन उनको क्या कहा जाता है अनरूटेड ट्री कहा जाता है यानी कि ऐसी सिचुएशन जब आपको किसी ट्री को देखकर पीछे जाकर उसका एंसेस्टर पता चल जाए उसका कॉमन एंसेस्टर आप पता लगा लो तो उसको रूटेड ट्री कहेंगे और जिस सिचुएशन में आप पता नहीं लगा सकते कि कौन उसका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा या कौन उसका एंसेस्टर है ऐसी सिचुएशन में हम उस ट्री को अनरूटेड ट्री कहते हैं एग्जाम्पल देखिए यहां पर सो मेक द इंफरेंस अबाउट द मोस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ द लीव्स और ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड मेक एन

ठीक है उसमें से कैट डॉग रेट माउस इन सबका ओरिजिन हुआ होगा तो ये एक ऐसा ट्री है जिसमें आपको एनसिस्टर दिखाई दे रहा है तो ये रूटेड ट्री है वहीं अनरूटेड ट्री को देखिए अब यहां पर एक ओरिजिन का पॉइंट यहां आप मान सकते हैं और एक यहां मान सकते हैं और दोनों ही जगह में आप दोनों में से आप किसको एनसिस्टर मानेंगे जहां से कैट डॉग निकल रहा है वो वाले पॉइंट को या जहां से रेड माउस निकल रहा है उस वाले पॉइंट को किसी भी पॉइंट में आप यहां नहीं मान पा रहे हैं कि कौन सा यहाँ पर एनसिस्टर होगा आप नहीं पता लगा पा रहे हैं ऐसे सिचुएशन में जब एनसिस्टर अननोन होते हैं उस ट्री को अनरूटेड ट्री कहते हैं सो ये थोड़े से डायग्राम थे और जनरली अनरूटेड ट्री थोड़े से रेडियल होते हैं शेप के हिसाब से मैं आगे जाके बताऊंगी इसलिए वहां वो चीजें क्लियर हो जाएंगी एक चीज और कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जो आपको इन दो ट्रीज के अलावा दो ट्रीज के और नाम बताएंगे पहला होता है बाई ट्री एंड दूसरा होता है मल्टीफ़र्केटिंग ट्री सो फर्केटिंग ट्री जो होता है एक ऐसा ट्री जिसमें मैक्सिमम uh, मतलब एक कहना चाहिए मैक्सिमम uh, दो डिसेंडेंट्स मिल, मिल सकते हैं आपको दिख सकते हैं जो कि डिसेंडेंट हो सकते हैं जो कि uh, जो इंटीरियर होंगी वहां से अराइज करेंगे सो ट्री हैज अ मैक्सिमम ऑफ टू डिसेंडेंट्स अराइजिंग फ्रॉम ईच ऑफ इंटीरियर नोट्स अब यहाँ पर इंटीरियर नोट क्या होती है ये सब क्या होती है वो अभी हम समझते हैं लेकिन बायफर्केटिंग में आप ये लिख सकते हैं और मल्टी में आप लिख सकते हैं मल्टीपल डिसेंडेंट्स अराइजिंग फ्रॉम

एंड uh, यहाँ पर हम लोग एक और ले सकते हैं इस जगह पर सो so, यहाँ पर एक आ जाएगा और आप स्ट्रेट लाइन्स यूज करेंगे मेरी अगर थोड़ी सी भी शिवरी लाइन आ रही है तो उससे ये मतलब नहीं कि आप बेसी कुछ बनाएंगे आप स्ट्रेट स्केल की मदद मतलब से बनाएंगे इन सब चीज़ों को बिकॉज आई एम यूजिंग माई हैंड वाइल ड्राॅइंग थोड़ा सा यहाँ पर स्केल के बगैर प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ सर्कल्स ही लेते हैं सबसे अच्छा आपके लिए ईजियर भी रहेगा सो यर पी को यहाँ पर एक और हो जाएगा ठीक है आई थिंक दिस विल बी सफिशियंट फॉर अंडरस्टैंडिंग समथिंग अब एक चीज का ध्यान रखेंगे सबसे जरूरी बात कि जब भी आप फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रॉ करेंगे तो आपको 90 डिग्री के एंगल्स के ऊपर ही ड्रॉ करने होंगे देखिए मेरा ये 90 डिग्री बिल्कुल नहीं बन रहा है आप इसको देखेंगे ना थोड़ा सा स्ट्रेट होना था मेरा तब जाके एक दूसरे के 90 डिग्री लाइंस होती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा है मेरे इसमें आप हर जगह नाइन्टी डिग्री का यूज करते हुए अपना ट्री बनाएंगे ठीक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला है अब आगे समझिए यहां पर आप देखेंगे तो ये जो सबसे पहला पॉइंट यहां मैंने बनाया है ये कॉमन एनसेस्टर है कॉमन एंसेस्टर ठीक इतनी बात समझ में आती है आगे बढ़ते हैं अब उसके बाद एक बात और देखिए अब इसमें अगर कॉमन एंसेस्टर नोन है तो ऐसे ट्री को हम क्या कहते हैं रूटेड ट्री कहते हैं तो ये ट्री तो रूटेड भी हो गया एक चीज का हमारा रिवीजन भी यहाँ हो गया अब आगे बढ़ते हैं अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो एंडिंग वाले पॉइंट्स है उसको मैं यहाँ नाम देती हूँ सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं आई थिंक um, इसको ए दे देती हूँ नाम इसको बी इसको सी इसको डी और इसको so, five points A, B, C, D, E. सो फाइव पॉइंट्स ए बी सी डी ई मैंने एंडिंग वाले पॉइंट का नाम रखा है अब आपको यहां पर ये देखना है ये जो पॉइंट्स है ए बी सी डी एंड ई ये सभी पॉइंट्स टर्मिनल पर दिखाई दे रहे हैं टर्मिनल पर टर्मिनल यानी एंडिंग पर आखिर में लास्ट में आते आते ये ही पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे पॉइंट जो कि टर्मिनल एंड्स के ऊपर आ जाते हैं उन पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट्स कहा जाता है तो इस पाइलोजेनेटिक ट्री के लिए ए बी सी डी ई यानी ये सभी जो है ये टर्मिनल पॉइंट्स है तो ये तो बात हो गई टर्मिनल पॉइंट्स की तो आप यहां पर लिखेंगे ये क्या है टर्मिनल पॉइंट्स है अभी मैं रिप्रेजेंटेशन सिखा रही हूँ आपको फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अंदर वाले पॉइंट्स जो कि टर्मिनल पे तो नहीं है लेकिन अंदर कहीं ना कहीं है जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा होगा एक यहाँ बन रहा होगा ये यह भी यहाँ से ब्रांचिंग हो रही है एक पॉइंट यहाँ बन रहा होगा ये सभी अंदर है और एक खुद ये वाला भी बन रहा होगा तो वन टू थ्री फोर देखिए वन टू थ्री एंड फोर करीब करीब फोर ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सिर्फ अंदर ही अंदर बन रहे हैं वो वहां से ब्रांचिंग हो रही है लेकिन उनका अभी तक कोई नाम यहाँ पर नहीं बना है तो ऐसी सिचुएशन में इन पॉइंट्स को जो कि टर्मिनल पे नहीं आते ना ही एंसेस्टर से पीछे जाकर आते हैं बल्कि एंसेस्टर के बाद में और टर्मिनल पॉइंट्स के पीछे यानी इनके बीच में जो पॉइंट्स आते हैं जहां से ब्रांचिंग हो रही होती है उन्हें इंटरनल पॉइंट्स कहा जाता है सो वॉट आर दे दे आर इंटरनल पॉइंट्स इंटरनल पॉइंट्स और इंटरनल पॉइंट्स को इंटरनल नोड्स भी कहा जाता है सो so, आप पॉइंट्स के साथ साथ यहाँ पर नोड्स वर्ड भी याद रखेंगे इंटरनल नोड्स। सो जैसे कि अगर मैं नाम रखू इसका आई वन कह देती हूँ इसका आई टू कह देती हूँ और इसका I3 कह देती हूँ और इसका I4 कह देती हूँ सो आई वन आई टू थ्री एंड आई आर इंटरनल पॉइंट्स और नोड्स ये वाली बात समझ में आ गई सो अगर आपसे कोई कहता है इंटरनल पॉइंट्स को डिफाइन करिए डाइवर्जेंस हुआ ये दो जगह पर चले गया फिर उसके बाद यहां देखेंगे यहां से दो जगह में चला गया यहाँ से भी दो जगह में चला गया फिर यहाँ से भी दो में चला गया तो यहां से डाइवर्जेंस हो रहा है सो बेसिकली आप क्या लिखेंगे अ पॉइंट फ्रॉम वेयर डाइवर्जेंसरी बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं लेकिन एक बार इसके कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो फिर बाद में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सो so, ये वाली चीजें थी अब यहां पर मैं एक एग्जाम्पल आपसे लू अगर तो फॉर uh, एग्जाम्पल आप खुद सोचिएगा इसको यहां पर जैसे कि डी और ई e को मैंने मार्क करा डी और ई e को देखिए पीछे जाकर इनका एंसेस्टर कहां बन रहा है एक तो ये कॉमन एंसेस्टर तो है ही कोर्स, दूसरा रिसेंट उसका कौन बन रहा है तो ये जो आई थ्री हमारा नोड हमने यहाँ बनाया था वहीं पर डी और ई e का एंसेस्टर बन रहा है तो डी और ई e का एंसेस्टर बहुत पास पास नजर आ रहा है वहीं अगर आप देखेंगे इस बी को यहाँ पर देखिए इस बी को इस बी को देखिए अब इसका एंसेस्टर और डी का एंसेस्टर बी और डी का एंसेस्टर कहां बन रहा है जरा देखिए तो बी अगर यहां से जा रहा है तो कहीं ना कहीं मिलते मिलते वो यहां पर जो हमारा आई फोर है वहां पर मिल रहे हैं। तो so, इनका कॉमन एंसेस्टर आई फोर तक जा रहा है और कॉमन एंसेस्टर तो है ही ऑफकोर्स तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है डी ई e और बी डी इन दो को तो इनकी रिलेटेडनेस बताइए तो आप यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल फ्रेंक होके और बिना किसी टेंशन के आराम से कह सकते हैं कि डी और ई e जो हैं, वो closely related है वो क्लोजली रिलेटेड है क्लोजली रिलेटेड यानी कि करीब वाले रिश्तेदार हैं ठीक है और अगर बी डी की हम बात करते हैं तो आप देखिए उनका एंसेस्टर कितना पीछे जाके मिल रहा था हमें ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं डिस्टेंटली रिलेटेड है डिस्टेंटली रिलेटेड यानी दूर के रिश्तेदार हैं ठीक है ये नॉर्मल सा पॉइंट हो गया अब ये आपको ऐसी सिचुएशंस जो हो सकती है उसमें जो जो वर्ड्स हो सकते हैं वो हम देख रहे हैं अब मैं यहाँ पर एक बात बताऊं आपको कि जनरली um, क्या होता है स्टूडेंट्स अगर हम पीछे वाली हमारी स्लाइड देखते हैं तो यहाँ पर ये जो अनरूटेड ट्री था ये वाला अनरूटेड ट्री इसका प्रॉब्लम ये था कि इसके अंदर एंसेस्टर पता नहीं है तो अगर किसी सिचुएशन में एंसेस्टर पता नहीं होता तो ज़रूरी ये होता है कि अनरूटेड ट्री को हम रूटेड ट्री बनाने की कोशिश करें जिसको मैं आगे बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं लेकिन मैं अभी एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने मेंशन कर रही थी अब हाँ अब हमारा वहां वो सारे कंसेप्ट हमने देख ली जो कि आपने यहाँ पर देखे इस स्लाइड के ऊपर तो अब मैं वो बाय और मल्टी को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ सो so, एक ऐसा ट्री है मान लीजिए मैं ट्री ड्रॉ करूंगी यहाँ पर मेरी स्ट्रेट लाइन्स नहीं आ पा रही है अनफॉर्चुनेटली बट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट वेल बट फिर भी नहीं हो पा रहा है तो एक ये है एक और बनाते हैं अच्छे से समझ में आएगा एंड दिस फिर उसके बाद एक और बनाती हूँ यहाँ पर एंड पता नहीं स्लाइड्स बराबर नहीं हो रही यहाँ पर यहाँ तक मत लीजिएगा आप फिर उसके बाद एक आप यहाँ से ले लेंगे एंड इसको थोड़ी और एक्सटेंड कर लेते हैं उसके बाद एक आप यहाँ ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ भी एक मान लीजिए ले लेना फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ ले लीजिएगा और यहाँ पर भी ठीक है आई थिंक इतना काफी होगा क्योंकि बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं समझ लें हर हाँ चीज को सो तो बाई फर्केटिंग ये जो पहला डायग्राम है यहाँ पर दो डायग्राम शो किए गए वन एंड टू तो ये वन और टू दोनों दो बाई फर्केटिंग शो कर रहे हैं और अगर मल्टी फर्केटिंग की बात करें तो ये जो मैंने थर्ड डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करा है वो मल्टी फर्केटिंग शो कर रहा है अब समझिए ऐसा ट्री जिसके अंदर मैक्सिमम टू डिसेंडेंट्स हो जो कि इंटीरियर इंटीरियर नोट से निकल रहे हो सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें यहाँ पर तो इस डायग्राम को देखिए ये इंटीरियर नोड यहाँ पर बन रही है ये इंटीरियर नोड है और ये भी एक तरह की इंटीरियर नोड है ठीक है इन इंटीरियर नोड्स में से क्या निकल रहा है क्योंकि यहां तो टर्मिनल पॉइंट्स हो गए यहां और यहां पर इस जगह पर और इस जगह पर यहां तो टर्मिनल पॉइंट्स हो गए तो इन टर्मिनल पॉइंट्स के पीछे जो पॉइंट्स रहेंगे जिस पर हमने सर्कल बना के रिप्रेजेंट कराए वो इंटीरियर नोड्स होगी तो एक ऐसा ट्री जिसकी इंटीरियर नोड से सिर्फ और सिर्फ दो डिसेंडेंट्स निकल रहे हो आप देखिए यहां पर एक निकल रहा है और यहां पर दूसरा निकल रहा है तो ऐसे दो डिसेंडेंट्स अगर निकल रहे हो इंटीरियर नोड्स में से तो ऐसे ट्री को बायफर्केटिंग कहते हैं बायफर्केटिंग का मतलब मतलब ये कि दो चीज में तोड़ देना तो उसको करना कहते हैं, सा वर्ड है ये तो। अब दूसरा डायग्राम देखिए सो फॉर so एग्जाम्पल हम यहां से देखते हैं तो मेरी लाइन फिर से स्ट्रेट कर रही हूं कोशिश करके अब देखिए यहां पर यहां कहीं ना कहीं इंटीरियर नोड रही होगी इस जगह पर इस इंटीरियर नोड से यहां पर कुछ टर्मिनल पॉइंट्स बने होंगे तो देखिए इस इंटीरियर नोट से जो वन और टू ही निकल रहे हैं तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारी इंटीरियर नोट अगेन दो में डिवाइड हो रही है यहाँ पर दो डिसेंडेंट्स आ रहे हैं तो ये बाय फर्केटिंग फ्री है उसी तरीके से आप यहाँ पर भी अगर देखें तो ये भी एक तरह की इंटीरियर नोट का ही काम कर रही है और वो भी इंटीरियर नोट कहाँ में डिवाइड हो रही है एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है तो, तो भी वो भी दो में जा रही है तो उसको हम बोल सकते हैं बाय फर्केटिंग है तो ये एक नॉर्मल सी चीज होगी कि इंटीरियर नोट से दो डिसेंडेंट्स का निकलना बाय फर्केटिंग ट्री कहलाता है अब मल्टी ट्री को देखिए अगर मल्टीपल डिसेंडेंट्स अराइज हो रहे हैं इंटीरियर नोड से तो ऐसे ट्री को मल्टी ट्री कहते हैं अब देखिए यहाँ पर कि ये हमारी मान लीजिए यहाँ पर इंटीरियर नोड है उसमें से एक डायरेक्शन तो ये जा रही है दूसरी यहाँ जा रही है थर्ड यहाँ जा रही है और फोर्थ यहाँ जा रही है तो करीब करीब थ्री मान लो आप तो इस इंटीरियर नोड से थ्री डिसेंडेंट्स निकल रहे हैं इसमें देखिए तो इसमें क्या हो रहा है यहां पर हमारी इंटीरियर नोड आ रही है तो एक इस, रही है, एक इस तरफ जा रही है एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है तो यहाँ पर भी करीब करीब थ्री निकल रहा है तो ऐसा ट्री जिसमें मल्टीपल डिसेंडेंट्स निकलते हैं उसको मल्टी फर्केटिंग ट्री कहा जाता है सो so ये बायफर्केटिंग मल्टी फर्केटिंग ज्यादा कुछ नहीं है नॉर्मल ट्रीज ही है मेन तो आपको ये रूटेड uh, और अनरूटेड ही याद रखना होता है बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई हैव जस्ट स्टेटेड इट हियर सो बायफर्केटिंग में मैं यहाँ आपको एक, कहना चाहिए रीड आउट कर देती हूँ आप नोट कर लेंगे सो बायर्केटिंग ट्री इज ट्री विच हैज मैग्सिम ऑफ टू डिसेंडेंट्स अराइजिंग फ्रॉम इच ऑफ इंटीरियर नोट वाइल्ड इन मल्टीफर्केटिंग ट्रीज मल्टीपल डिसेंडेंट अराइज फ्रॉम इच ऑफ दी इंटीरियर नोट सो दैट वॉज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ आइलोजेनेटिक ट्रीज हम आगे देखते हैं अब बात आती है क्या इंपॉर्टेंस होती है इन फाइलोजेनेटिक ट्री की इंपॉर्टेंस ज़्यादा कुछ नहीं है सिर्फ सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो ये एक तरह का फंडामेंटल टूल होता है जिससे कि मोस्ट यूजफुल एविडेंस मिल जाता है इन दी फील्ड्स ऑफ एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी पेलीओंटोलॉजी मॉलिकुलर जेनेटिक्स और कुछ और सिग्निफिकेंस ये हो सकते हैं कि हम किसी न्यू स्पीशीज़ की सर्च कर सकते हैं हम स्टडी कर सकते हैं वॉल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ को फिर हम यहाँ से जो स्पीशीज़ होती हैं उनको जोग्राफिकली uh, उनका स्प्रेड कैसे हुआ होगा एक स्पीशीज यहाँ रह रही तो वहां आगे जाकर कैसे रह रही है ये स्प्रेड कैसे हुआ होगा या फिर किसी कॉमन uh, इंसेस्टर किसी का पता करना है तो उसमें भी ये में हेल्पफुल होगा फिर एक्सटिंग स्पीशीज या फिर एक्सटेंट स्पीशीज में भी आप पता कर सकते हैं ये सारी बातें उसके बाद एक चीज और मैं यहाँ पर देख बताना चाहूंगी आपको सो so, ठीक है मैं अभी उसको आगे बता दूंगी ये छोड़िए आप अभी आप इसी को ध्यान दीजिए सो so, ये एक तरह से हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर जो मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर हो गए वो कौन हो सकते हैं हम ये पता कर सकते हैं एंड टू रिकोगग्नाइज हाउ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ आर वही के करीब रिश्तेदार कौन है दूर का रिश्तेदार कौन है फिर माइल्ड को ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मेजर लाइफ को इससे हम रिलेशनशिप्स पता कर सकते हैं बिटवीन ऑर्गेनिजम्स जिसको बिलीव किया जाता है कि कहीं ना कहीं उनके कॉमन एंसेस्ट्री रही

So, यहां पर हाँ ठीक है अब हम यहाँ पर एक चीज को समझेंगे कि एक कंसेप्ट होता है कि मान लीजिए आपके पास मैं यहाँ एक डायग्राम बनाऊंगी तो काम करिए आप मेरे पास रब करने का ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ तक ले रही हूँ उसको वैसे मैं ट्राई कर सकती हूँ इफ़ दे आर प्रोवाइडिंग द रबिंग ऑप्शन नो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सो आप इस ये जो लाइन है यहां तक इसको नहीं मानेंगे यहां तक जहां मैंने ई e का ये रिप्रेजेंटेशन किया आप इस लाइन को यहीं तक मानेंगे ठीक है अब यहाँ पर समझिए आप कि जो यहां पर ऊपर वाली लाइन है जहां पर मैंने ए बी सी डी रिप्रेजेंट करा है ये पूरी लाइन जो पहली लाइन है ए बी सी डी जहां पर आ रहा है ए बी सी एन डी इसमें देखिए जो शुरू वाली लाइन है इसको कहा जाता है एक्सटेंट एक्सटेंट टेक्सा या फिर इसको आप सिंपल डिसेंडेंट्स भी कह सकते हैं ठीक है अब उसके बाद हम बात करते हैं ये जो ई जो इतना ऊपर आ ही नहीं पाया मैंने पहले गलती से ई यहां तक बना दिया था जो यहां तक नहीं आ पाया ई यहीं पर रह गया यानी कि सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो वहां तक जाकर डेवलप हो रहे हैं लेकिन ई पीछे ही रह गया जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप समझ सकते हैं वो जो टैक्सा है वो एक्सटिंक्ट हो गया होगा खत्म हो गया होगा इस दुनिया से सो तो उसको एक्सटिंक्ट टैक्सा या फिर डिसेंडेंट्स अगेन आप कह सकते हैं तो ये दो तो पॉइंट हो गए यहां पर आगे देखते हैं अब ये जो अंदर नोट्स आपको दिखाई दे रही है एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर ये तीन जगहों पर जो नोट्स दिखाई दे रही है इनको आप इंटरनल नोट्स कह सकते हैं तो ये सारी तीनों चीजें यहाँ पर क्या है इंटरनल नोट्स हैं इंटरनल नोट्स इसीलिए क्योंकि वो अंदर से कच, आ, कुछ कह सकते हैं डिसेंडेंट्स वो अराइज कर, so, कर रही है तो वो इंटरनल नोट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही है एंसेस्ट्रल टेक्सा को दैट आर एक्सटिंक्ट टूडे देअर फॉर इंटरनल नोट जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है स्पीसीएशन इवेंट को तो एक तरीके से ये स्पीसीएशन इवेंट भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है स्पीसीएशन इवेंट ठीक है अब आगे समझते हैं अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो दो डिसेंडेंट्स है अगर वो स्प्लिट करते हैं सेम नोट से तो ऐसे ग्रुप को सिस्टर ग्रुप कहा जाता है मान लीजिए हम इस नोट की बात कर रहे हैं इस नोट की इस नोट में से देखिए कौन से डिसेंडेंट्स निकले एक तो ए निकला है दूसरा बी निकला है ठीक है तो ऐसी नोट जिसमें से दो डिसेंडेंट्स हम आगे देख रहे हैं वो उनका पीछे जाकर इंटरनल नोट जो है वो अगर कॉमन आ रहा है तो इन ए और बी को आप सिस्टर्स कह कह सकते सकते हैं हैं। या फिर सिस्टर ग्रुप्स ए और बी पर क्या है एक दूसरे के सिस्टर ग्रुप्स हैं क्यों बोल रही हूं मैं इसको सिस्टर ग्रुप्स क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर इनकी जो नोड है वो कॉमन है उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल वैसे सफिशिएंट है आपको अगर ऐसा कहीं दिखता है कि दो जो डायरेक्टली अब जैसे यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहां पर इस नोट को अगर आप देखेंगे जो मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ इस नोट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले एक नोट आ रही फिर जाके डिविजन आगे जा रहा है और फिर सी आ रहा है तो ए बी सी एक दूसरे के सिस्टर ग्रुप्स नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो एकदम ऐसे करीब नहीं है जैसे ए और बी आपस में करीब है सो ए बी सिस्टर ग्रुप कहलाएगा लेकिन ए बी सी एक दूसरे का सिस्टर ग्रुप नहीं कहलाएगा अब आगे की बात करते हैं एक आउट ग्रुप नाम की चीज होगी उसका कंसेप्ट हम बाद में लेंगे अब एक और चीज की जो इवोल्यूशनरी फ्रीज होते हैं ये हमें क्लेड्स भी शो करते हैं क्लेड्स तो इसकी मदद मतलब से हम क्लेड्स भी समझ सकते हैं सो so, क्लेड क्या होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इंक्लूड करता है एंसेस्टर्स को और उनके डिसेंडेंट्स को जैसे कि अगर आप देखेंगे यहां पर ये जो ए बी का पूरा हिस्सा बन रहा है एक तरह से ये क्लेड है अब उसी तरह से अगर आप देखेंगे एबीसी को मिलाकर तो इस जगह पर इनका पीछे जाकर कॉमन एंसेस्टर आएगा तो ये एक लेड बन रहा है उसी तरीके से अगर आप डी को भी इंक्लूड कर दें तो डी के साथ जुड़ने के लिए इस जगह पर हमारा बनेगा तो ये भी एक पूरा क्लेड बन रहा है इस तरीके से क्लेड बनते हैं और ये जो छोटी-छोटी ब्रांचेस इसमें से निकलती हैं उनको तो ब्रांचेस ही कहते हैं और वो रिप्रेजेंट करती है इवोल्यूशनरी चेंजेस को आफ्टर अ स्पीसिएशन इवेंट तो ये छोटी-मोटी टर्मिनोलॉजीज़ थी अब मैं एक चीज यहाँ पर और आपको अलग से एक्सप्लेन कर देती हूं आउटग्रुप का कांसेप्ट तो हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे आउटग्रुप्स ठीक है तो अब क्या होता है जो हमने बात की थी जो अनरूटेड ट्री होता है उसके एंसेस्टर्स हमें पता नहीं होते तो अनरूटेड ट्री को सबसे पहले रूटेड ट्री में बदलना होता है तो अनरूटेड से रूटेड में जाना है सबसे पहले तो आपको इतनी बात क्लियर फिर उसके आगे समझिए जो ग्रुप होता है उसमें से आप किसी एक स्पीशीज को चूज करते हैं और मानते हैं कि इसको कहीं ना कहीं कुछ इवोल्यूशनरी एडवांटेज मिला होगा जिसकी वजह से उसमें इवोल्यूशन थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा फास्ट आया होगा तो किसी एक चीज को अज्यूम कर लेना एक स्पीशीज को ऐसा अज्यूम कर लेना कि उसमें इवोल्यूशन फास्टेस्ट वे में आया होगा उसी को हम आउट ग्रुप बनाना कहते हैं या फिर आउट ग्रुप की दूसरी डेफिनेशन होती है एनी टेक्सा आउटसाइड योर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इज आउट ग्रुप ठीक तो ये सारी बातें आप आउट ग्रुप में लिखेंगे सो अमंग ग्रुप वी चूज वन स्पीशीज विच इज हैविंग इवोल्यूशनरी एडवांटेज विच इज गोइंग थ्रू इवोल्यूशन अ लिटिल बिट फास्टर और अर्लियर देन अदर्स ये सारी बातें होगी अब इसको समझते हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक ट्री है सो so, कुछ इस टाइप का ट्री है अजीब सा ट्री है इसमें एंसेस्टर पता नहीं सब इक्वली एक दूसरे से दूर है आप यहाँ पर समझिए मैंने अनरूटेड ही बनाया आप ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ रूटेड शो कर रही हूँ मैं अनरूटेड ट्री की बात कर रही हूँ मान लीजिए कोई अनरूटेड ट्री है यहाँ ए नाम की चीज है यहाँ बी नाम की चीज है और यहाँ सी नाम की चीज है ये समझ में आता है अब ये अनरूटेड ट्री है तो सबसे पहले हमें एक आउट ग्रुप को यहाँ पर अज्यूम करना होगा सो स्टेप फर्स्ट हो जाएगी अज्यूम आउट ग्रुप एक आउट ग्रुप को अज्यूम करिए मान लीजिए मैं इस सी को अज्यूम करती हूं इस सी को मैं ऐसा मान रही हूं कि ये जो सी रहा होगा ये एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें इवोल्यूशनरी एडवांटेज मिला होगा या फिर इसमें इवोल्यूशन थोड़ा सा पहले जल्दी आ गया होगा इन बाकी ए और बी के अगर हम कंपेरिजन में बात करें तो सी में थोड़ा जल्दी इवोल्यूशन आया होगा तो ये तो अज्यूम करना हो गया आउट ग्रुप को किसी को भी आप अज्यूम कर सकते हैं अब इस पूरे हमारे फाइलोजेनेटिक ट्री को जो कि एक तरह का अनरूटेड ट्री है उसको रोटेट करिए रोटेट और रोटेट किस डायरेक्शन में तो दूसरे पॉइंट हो जाएगा रोटेट वो भी एंटी क्लॉक तो अब इसको रोटेट करिए आप खुद ही सोचिए अगर रोटेट करेंगे तो C कहा यहां आ जाएगा करीब करीब तो C अगर इस जगह पे आपको लाना है तो बाकी B और A कहा चले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा C यहां आ जाएगा फिर उस पर A यहां आ जाएगा और B करीब करीब यहां आ जाएगा तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में टर्न करा एंटी क्लॉक इतनी बात क्लियर होती है अब उसके बाद क्या होगा एक लाइन को आपको ड्रैग करना पड़ेगा तो यहां लिखिए ड्रैग अ लाइन ड्रैग अ लाइन यानी कि नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करिए मैंने यहां पर कर दी उस लाइन को ड्रॉ तो अब क्या होगा जो सी होगा वो थोड़ा सा पहले आ जाएगा जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक आ, मतलब कहना चाहिए आप खुद ही सोचिए अगर आप उस लाइन को वहां ड्रॉ करेंगे तो जो दिखाई देने लगेगा सी थोड़ा पहले आ जाएगा तो आप किस तरह का डायग्राम बनाएंगे आप तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा यू आप बनाएंगे देन एक हमारी लाइन यू जाएगी उसके बाद यहां से एक निकालेंगे और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन और क्योंकि 90 डिग्री तो हर जगह फॉलो करना है तो सी यहाँ आ जाएगा ए यहां आ जाएगा और हमारा बी यहां आ जाएगा और यहां एक नोड भी बन जाएंगी तो इस तरीके से एक डायग्राम बनेगा अब यहां देखिए ये यह जो ए है और ये जो बी है वो दोनों क्या शो कर रहे हैं दे आर शेयरिंग कॉमन एंसेस्टर उनका कॉमन एंसेस्टर इस नोट के वहां पर बन रहा है एक तो ठीक इसलिए पर सिस्टर ग्रुप भी बना लिया उन्होंने हम कह सकते हैं ये ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है और सी इनसे थोड़ा सा दूर चला गया है. तो सी इसी वजह से हम कह सकते हैं कहना चाहिए कि उसमें थोड़ा सा अ, अलग टाइप का या पहले इवोल्यूशन आया होगा उसको आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली तो आप देखिए अब आपका डायग्राम थोड़ा सा क्लियर हो गया अनुटेड सब ये ट्री थोड़ा सा रूटेड नजर आएगा यहाँ कहीं ना कहीं उसका के जाकर ओरिजिन बना होगा ये तो एक एग्जांपल हुआ मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ मान लीजिए इसी ट्री में जो हमारा ये ट्री है ये वाला मैं डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं इसको ये वाला ट्री ठीक है इसी ट्री को मान लीजिए अब आप यहां पर सी के बजाय अपना आउट ग्रुप मान रहे हैं ए को सो so अगेन हम यहां पर बनाएंगे सो आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट वेल बट आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ तो ए यहां पर था बी यहां पर था एंड सी यहां पर था अब ए तो यहां पर था अब इस ए को आपने क्या मान लिया ये मान लिया आपने आउट ग्रुप सो अज्यूम आउट ग्रुप आउट ग्रुप क्या होता है ऐसा कोई स्पीशीज जिसको आप ऐसे चूज कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इसको इवोल्यूशनरी एडवांटेज मिला होगा और इसमें सबसे पहले इवोल्यूशन आया होगा या फिर आप कह सकते हैं एनी टेक्सा आउटसाइड योर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड आउट ग्रुप ठीक है तो ये आपने मान लीजिए यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में आपने ए को मान लिया सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती थी यहां अगर हमने सी को माना है तो यहां हमने ए को मान लिया ये सिचुएशन हुई अब सबसे पहली स्टेप तो अज्यूम करना थी अज्यूम कर लिया दूसरी स्टेप हमारी क्या कहती है दूसरी कहती है रोटेट एंटी क्लॉकवाइज इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी घड़ी की डायरेक्शन में घुमाइए तो घुमाने के बाद ए को अगर आपको इस पोजिशन पे लाना है तो ए जब यहाँ आएगा तो कैसे आएगा आप खुद ही डायग्राम बनाइए आपकी कॉपीज में तो ये हमारा चार्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा ए यहाँ पर देन हमारा ये ऐसा बनेगा बी यहाँ पर और सी यहाँ पर ठीक अब उसके बाद ड्रैग अ लाइन एक लाइन को ड्रैग करिए तो आप ड्रैग करेंगे यहीं से ये ड्रैग होगी हमारी लाइन ड्रैग कर ली ड्रैग लाइन को यहाँ से मैंने यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं ड्रैग ये हमने ड्रैग का लाइन करी है ड्रैग करने के बाद को ऊपर लाइए एक ऊपर लाने के लिए ये चार्ट को फिर से थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो कुछ किस तरह से नजर आएगा हमारा डायग्राम ऐसा नजर आएगा कुछ इस तरह से यहां पर ये यह डायग्राम बनेगा हमारा और हमारा ए यहां पर आ जाएगा ठीक है सो so, ये जो डायग्राम है ये हमें एक रिलेशनशिप पैटर्न शो कर रहे हैं रिलेशनशिप पैटर्न हमें यहाँ से पता चल जाता है कि कौन किसके ज्यादा रिलेटेड है तो इससे आप क्लियरली आप पता लगा सकते हैं कि जो बी और सी है ये बी और सी एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड है करीब के रिश्तेदार हैं वही जो ए है इनसे दूर का रिलेशन रखता है और दूर का इनसे कोई उसका रिलेशनशिप रहा होगा सो so, यहाँ पर हमने थ्री स्पीशीज ली थी तो बहुत ईजिली हमने यहाँ पर अनरूटेड को रूटेड बना लिया सब कुछ यहाँ पर ईजी था लेकिन क्या होता है ना जब हम हमें टेन स्पीशीज या फिर ट्वेल्व स्पीशीज दे दी जाती है तो वो सिचुएशन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है हमारे लिए तो इसी सारी चीजें करनी होती है बूट स्ट्रेप एनालिसिस सारी चीजें वहां पर आती है तो वो एक अलग ही कहना चाहिए हमारा साइड होता है जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे इफ यू आर ये तो फाइलोजेनेटिक ट्री का आज सारा कंसेप्चुअल पोर्शन हमने देखा और मैंने मैंने इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन नहीं सिखाया फाइलोजेनेटिक ट्री का क्योंकि वो ऑलरेडी एक बड़ा सा चीज है तो जब मैं कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगी ना तो यहाँ पर मैंने जो टर्मिनोलॉजीज आपको दी है वो टर्मिनोलॉजीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी तो वहां पर आपको वो सारी चीजें क्लियर होगी एंड आई थिंक यहाँ पर हम लोग एक से लेकर तीन करीब करीब हमारे वीडियो सेगमेंट्स बनाएंगे थोड़ा अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे थोड़ा सा हार्ड होता है तो एक एक चीज को समझते चलेंगे बहुत अच्छा रहेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूंगी ये कंस्ट्रक्शन कैसे होता है फाइलोजेनेटिक ट्रीज का वो समझा दू और उसमें एक चीज और मैं यहाँ पर बता देती हूँ मान लीजिए ऐसी कुछ टेबल आती है यहाँ टेक्सा शो करते हैं और यहाँ पर कैरेक्टर्स शो करते हैं कैरेक्टर्स और टेक्सा तो कैरेक्टर्स जो होते हैं यहाँ पर एक और वर्ड हम वहां भी पढ़ाऊंगी इसको तो मैं सो प्लेसियोमोर्फिक कैरेक्टर्स कहते हैं प्लेसियोमोर्फिक कैरेक्टर्स तो इट व इट वुड बी गुड अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़कर आएंगे प्लेस कैरेक्टर्स या फिर प्रिमेटिव कैरेक्टर्स के बारे में वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी तो टेंशन की कोई बात नहीं है सो यहाँ पर हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं सो दैट वॉज ऑल अबाउट फॉर आर टूडेज लेक्चर डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हैप्पी लर्निंग